हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। मु तापस कुमार वेलकम करछु उत्कल एग्जाम वॉरियर को। तो पिला माने आमर एटा टारगेट रहिछि ओटीटी 2021 पई। तो एठी आमे प्रत्येक दिन तुम पई किछि किछि वीडियो नै गेस्तु। आज सिमिलरली मु तुम पई नै गेस्छि लाइफ साइंस रो प्रीवियस क्लास रे आमे सेल पढ़तिले। तो आज आमे डिस्कशन करबा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक अछि। तो प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़तिले सेल कोन, सेल रो क्लासिफिकेशन पढ़तिले, आ किछि इंपोर्टेंट की पॉइंट विषय रे डिस्कशन करते। तो आज पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक अच्छे। तो हेडिंग करो सेल ऑर्गेनेल्स। ए सेल ऑर्गेनेल्स रे मु प्लांट सेल आउ एनिमल सेल समस्त समान ऑर्गेनेल्स रही। केवल प्लांट सेल कौन अच्छे ना प्लास्टिड्स अच्छे आ सेल वाल अच्छे से दुटा को भी मुझे नेबी आ बाकी दु जन कॉमन अच्छे, ठीक अच्छे। तो फास्ट आम पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स रो सेल वाल। हेडिंग करो सेल वाल। तो सेल वाल इट ओनली सीन इन प्लांट सेल। मुझे कहली एटा कौन देखा जाए प्लांट सेल, इट ओनली सीन इन प्लांट सेल। आपको किए डिस्कवर करते रॉबर्ट हुक, किए करते रॉबर्ट हुक 1665 रे कही थी सेल डिस्कवर करते किए रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी किए रॉबर्ट हुक। से कौन करते ना कर्क गछर बकल को लेकिन अनप्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप सेल को प्रथम आइडेंटिफाई करते जो बकलटा नहीं थे कह जाए कौन सेल वाल, ठीक अच्छे। तो रॉबर्ट हुक 1665 सेल वाल को डिस्कवर करते, ठीक अच्छे। अच्छा सेल वाल कौन करे ना इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल। ये कौन करे इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक अच्छे। तो ये प्लांट सेल गोटे डेफिनेट शेप साइज प्रोवाइड करे। आ कौन करे इट आक्ट एज ए, इट आक्ट एज ए बैरियर ऑफ द प्लांट सेल, बैरियर ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल ये गोटे बैरियर हिसाब से काम करे। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पड़े सेल वॉल मेड अप ऑफ, सेल वॉल क्या नहींक या सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या नहींक या ना सेलुलोज को लेकिन या, ठीक अच्छे। सिमिलरली एट स्टार मारिक लेख सेल वॉल ऑफ फंगी, फंगीर सेल वॉलटा क्या नहींक या क्या ना काइटिन बा चिटिन। सिमिलरली सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोन, पेप्टिडो ग्लाइकोन। बुझे ना बुझे। तो ये सब क्वेश्चन तुम एग्जाम आसे सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल क्या तैयारी, फंगी सेल क्या तैयारी, बैक्टीरिया सेल क्या तैयारी, आपको किए डिस्कवर करते। अच्छा सेल वॉलटा कौन करे ना ये प्लांट सेल गोटे डेफिनेट शेप साइज प्रोवाइड करे, आ एटा आक्ट करे कौन बैरियर हिसाब से, आउ कौन करे ना आयन्स हो मिनरल्स हो बा गैस हो एक्सचेंज करे, माने सेल माने भीतर को प्रोवाइड करे कौन करे इट एक्सचेंज। तो इमिति लेखो सेल वॉल आर, सेल वॉल आर परमेबल, किमिति कासे तार देखिया को ना परमेबल। सो इट प्लेस, इट प्लेस सम रेगुलेटरी रोल ऑन द पैसेज ऑफ मटेरियल्स, पैसेज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स पैसेज करार हेल्प करे कौन आउट रू इन, माने बाहर सेल भीतर को प्रोवाइड करे कौन कहली सेल वॉल आर परमेबल, इट प्लेस सम रेगुलेटरी रोल ऑन द पैसेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स जमी तुम कहीपर आयन्स हो सॉल्ट्स हो मॉलिक्यूल्स हो गैसेस हो ये सब को सेल भीतर को पठेबार काम किए करे ना सेल वॉल करे, बुझिपार। तो नेक्स्ट लेख प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन लेखो एवरी लिविंग सेल मेड अप ऑफ थिन
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कहली ना प्रत्येक लिविंग सेल एनिमल सेल हो बा प्लांट सेल हो तार गोटे कवरिंग थाए जमी कह प्लांट सेल सेप है हेक्सागोनल सेप तार आउटर पार्ट को कौन कहली सेल वॉल तार इनर कवरिंग को कौन कह जाए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलरली एनिमल सेल सेप है सर्कुलर सेप तार इनर मेम्ब्रेन को कौन कह जाए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुझिपार ना बुझिपार तो यहाँ देखा किमी इट इज ए सेमी पारिमेबल थीन इन नेचर जमी फिल्म लाइक स्ट्रक्चर देखा ठीक अच्छे तो ताको कौन कह जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउ कौन कह जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन ताको कौन कह जाए सेल मेम्ब्रेन कह जाए बा और आपको मध्ये कह जाए प्लाज्मा लेमा बुझे ना बुझे अच्छा ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन कोइन बाय आपको किए कोइन करते ना क्रेमर एंड नेग्ली सी क्रेमर एंड नेग्ली बुझिपार ना व्हाट प्लाज्मा लेमा किए कोइन करते प्लाज्मा लेमा कोइन बाय प्लोयर किए करते प्लोयर एनटीपीसी एग्जाम रे तर क्वेश्चन आसला बुझिपार ना प्लाज्मा लेमा कोइन बाय किए करते प्लोयर करते ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या तैयारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन क्या तैयारी ना लिपोप्रोटीन लिपो मीन्स लिपिड्स फैट कहपर लिपिड्स और फैट एंड प्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन को लेकिन आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा तैयारी था ठीक अच्छे नेक्स्ट लेख आर फंक्शन कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो फंक्शन कौन मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करे ना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस माने बाहर गैस को भीतर को ट्रांसपोर्ट करियारे हेल्प करे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आ कौन हम ना ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल सेल ऑस्मो रेगुलेशन ले मध्य हेल्प करे किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक अच्छे तो एबे पढ़िबा आमे प्रोटोप्लाज्म थर्ड कौन पढ़िबा ना प्रोटोप्लाज्म हेडिंग कर प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कौनटा कहिबा ना एटा रहला सेल एटा रहला न्यूक्लियस सेल आउटर मेम्ब्रेन कौन कह जाए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मझे पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट बा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर जो सब सब्सटेंस रहा कौन कह प्रोटोप्लाज्म प्रोटो मीन्स फास्ट प्लाज्म मीन्स फ्लुइड तो फ्लुइड कंटेनिंग मीडियम कौन कह प्रोटोप्लाज्म ए प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करते किए डुजार्डिन डुजार्डिन बट आपको कॉइन करते किए कॉइन बाय पोर्केंजी किए करते पोर्केंजी बुझे ना नहीं ये डिस्कवर करते कि कॉइन करते किए पोर्केंजी अच्छा प्रोटोप्लाज्म देखा किमिका इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रानुलर सेमी विस्कस फ्लुइड सब्सटेंस एटा देखिया किमिका ना कॉम्प्लेक्स ग्रानुलर से आ भितर सेल ऑर्गेनेल्स रही पारे
ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିପାରେ, ସଲ୍ଟସ୍ ରହିପାରେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗ୍ରାନୁଲାର ସେମି ଭିସ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ମାରିକି ରଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ବହୁତ ବାର ଆସିଥିଲା। ଏକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ହକ୍ସଲେ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ ହକ୍ସଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆର୍ଆର୍ବି ଜେଇରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ କହିଲି, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ହକ୍ସଲେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମ ଲାଇଫ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ କିଏ ସେଲ୍, କିନ୍ତୁ ହକ୍ସଲେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିବୁନି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ସବୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେମିତିକା ନା ଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ହେଉ ବା ଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଇକ୍ଲୋସିସ୍। ଲେଖ, ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ମେନର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସାଇକ୍ଲୋସିସ୍, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସାଇକ୍ଲୋସିସ୍। ତା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାଇକ୍ଲୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଇନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ମେନର୍, ମେ ବି କ୍ଲକ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ଅର୍ ମେ ବି ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଇକ୍ଲୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା, କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସେଲ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ବାକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ଆକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ଡୁଜାର୍ଡିନ୍, କଏନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ପର୍କେଞ୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ହେଡ଼ିଂ କର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କ'ଣ ହେବ, ଫୋର୍ଥରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ସେଲ୍, ମଝିଟା ରହିଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସେଲ୍ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଏ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ତ ଲେଖ, ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ, ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମ କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ଥାଏ ନା 90% ୱାଟର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 90% ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହଉ, ଲାଇସୋଜମ୍ ହଉ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ହଉ, ଗଲ୍ଗି ବଡି ହଉ, ସବୁଯାକ କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ ଥାଏ। ତ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 90% ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ। ବୁଝିହେଉଛ ନା ବୁଝିହେଉନି? ତେଣୁ ସେଲ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ମେଟାବଲିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଯେତିକ ସବୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁ ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ। ତ ମେଟାବଲିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଅକର୍ଡ ଏଟ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, କେଉଁଠି ହୁଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେ ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହଉ, ଅଦର୍ ମିନେରାଲ୍ସ ହଉ, ସଲ୍ଟ ହଉ, କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର।
ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आयन्स सॉल्ट्स मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सॉरी ये कौन करे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आयन सॉल्ट्स मिनरल्स टू सेल एंड न्यूक्लियस तो सेल आउ न्यूक्लियस रे पहुँचा कम कार थाए ना साइटोप्लाज्म रो थाए बुझे नेक्स्ट पढ़िया आम माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग कर माइटोकॉन्ड्रिया 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 कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स वन इज माइटो एंड अनदर इज कॉन्ड्रिया माइटो मीन्स थ्रेड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रान्यूल्स सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन रोड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन थ्रेड लाइक रॉड स्ट्रक्चर एंड इट इज इन ग्रानुलर इन फॉर्म बुझा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया केमी देखा इट इज अ डबल मेम्ब्रेन थ्रेड लाइक ग्रानुल्स एटा गोटे ग्रानुल्स भाया देखा जाए यहाँ केमी क्या ना डबल मेम्ब्रेन बुझे ना बुझे यहाँ एमतीका तार स्ट्रक्चर ठीक अच्छे अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहीं कह जाए सेमी ऑटोनोमस बॉडी ना ता निजर डीएनए आउ आरएनए प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे इट ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी बॉडी कौन पाई ताको एमती कह जाए बिकज इट हैज ओन डीएनए आरएनए ठीक अच्छे अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को आउ मध्ये कौन कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोजोम और कॉन्ड्रियोप्लास्ट जोम एंड कॉन्ड्रियोप्लास्ट सीजीएल एग्जाम रे क्वेश्चन आसला कॉन्ड्रियोजोम आ कॉन्ड्रियोप्लास्ट क्या कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल इट ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल कहीं कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन तो सेलुलर रेस्पिरेशन कौन हुए ना आम फूड खाइल फूड्र ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन होगी सी ग्लुकोज बाहर ग्लुकोज सहित जितने ऑक्सीजन मिसीज बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन से कौन बाहर ना सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स एच टू प्लस एनर्जी से एनर्जीटा आम कौ फर्म मिले एटीपी फॉर्म रे मिले एटीपी कह जाए कौन कह जाए एटीपी को तुम कमेंट बक्स लिखो जो एटीपी को कौन कह जाए हला कौन कह जाए एनर्जी करेन्सी कह जाए ठीक अच्छे तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए बिकॉज इट जेनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अच्छा आउ कौन हो पारे ना माइटोकॉन्ड्रिया को जाए सेल विदिन सेल आपको आउ कौन कह जाए सेल विदिन सेल कहीं जाए सेल विदिन सेल बिकॉज़ इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट इट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल जो जो फंक्शन सब माइटोकॉन्ड्रिया कर पारे किंतु तार निजर न्यूक्लियस न थाए से कह जाए सेमी सेल विदिन सेल इट ऑल्सो नोन एज सेल विदिन सेल
सेल विदिन सेल का कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया कह जाए बिकज इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बुझे ना बुझेनि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्रीवियस क्लास रे कोई थी जहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट था ताको जाए प्रोकैरियोटिक जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट था ताको कहा जाए यूकैरियोटिक तुम्हें कमेंट बॉक्स रे लिखो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो स्टडी को कौन कहा जाए ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट इंपोर्टेंट है डिस्कवरी आपको किए डिस्कवर करते माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करते ओल्टमैन किए डिस्कवर करते ओल्टमैन किंतु तार ना माइटोकॉन्ड्रिया बोले किए कॉइन करते कॉइन बाय कार्ल बेंडा किए करते कार्ल बेंडा करते वेरी इंपोर्टेंट बहुत बार एग्जाम ए क्वेश्चन आसी तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंस है तार अदर्स नेम सेल विद इन सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कोंड्रियोजोम कोंड्रियोप्लास्ट बुझिपार ना बुझान ये टाइप रुम सब एग्जाम क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट पॉइंट लेख प्लास्टिड्स प्लास्टिड्सटा कौन देखा जाए ये ओनली सीन इन प्लांट सेल प्लांट सेल हिं प्लास्टिड देखा जाए बुझे ना बुझे सेल वॉल और प्लास्टिड दुटा केवल प्रेजेंट था प्लांट सेल एनिमल सेल दुटा जाक एबसेंट था। नेक्स्ट लेख प्लास्टिड्स इट ओनली सीन इन प्लांट सेल कौन देखा जाए प्लांट सेल देखा जाए ये प्लास्टिड्सटा किसी नुह एटा गोटे कलरिंग पिगमेंट आम जो प्लांट्र डिफरेंट कलर देखु जमी लिव्र कलर ग्रीन देखाऊ डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लावर कलर डिफरेंट डिफरेंट आसू तो से सब कलर पिगमेंट रे काम दिए किए प्लास्टिड्स बुझेगा ना तो इट इज द कलरिंग पिगमेंट ऑफ द प्लांट सेल कलरिंग पिगमेंट ऑफ द प्लांट सेल। अच्छा ये आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल प्लांट सेल सब बड़ सेल ऑर्गेनेल्स किए प्लास्टिड्स इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल ए प्लास्टिड्सटा मध्य सेमी ऑटोनोमस बॉडी आर भी निजर कौन अच्छी डीएनए आरएनए रही बुझे ना इट इज ए सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैविंग ओन डीएनए आरएनए ठीक अच्छे। तो आपको के डिस्कवर करते डिस्कवर्ड बाय आपको डिस्कवर करते हेकेल किए करते ना हेकेल डिस्कवर्ड बाय हेकेल बुझिपार ना क्वेश्चन पड़े प्लास्टिड्स डिस्कवर बाय हेकेल्स आर मेन फंक्शन कौन प्लास्टिड्र फंक्शन कौन ना प्रोटीन सिंथेसिस कौन करे ये प्रोटीन सिंथेसिस करे ठीक अच्छे। ये प्लास्टिड्सटा आमर डिफरेंट फॉर्म रे अवेलेबल हुए। नेक्स्ट लेख टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ए प्लास्टिड्सटा आमर केते टाइप रोचे प्लास्टिड्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स कौन कौन ना क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है इट इज द कलरिंग पिगमेंट ऑफ द लिफ आमर लिफ जो ग्रीन देखा जाए तार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कलरिंग पिगमेंट ऑफ लिफ लिफ्रे देखा जाए कौन क्लोरोप्लास्ट एटा केमी देखा जाए तार कलर ना ग्रीन देखा जाए आर काम कौन ना फोटोसिंथेसिस रे ये हेल्प करे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करे किए क्लोरोप्लास्ट बुझे बुझा ना सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट कौन ना ग्रीन पिगमेंट को छाड़देले क्लोरोप्लास्ट को छाड़देले आउ जो डिफरेंट कलर देखा जाए जमी आम फ्रूट्स डिफरेंट कलर देखा जाए बनाना येलो देखा जाए टमाटो रेड देखा जाए गाजर येलो देखा जाए बा तुम कही पार जमी फुलर डिफरेंट कलर आसे से सब प्रेजेंट था किए ना क्रोमोप्लास्ट तेल कौन लिखिपरि अदर देन
क्लोरोप्लास्ट अदर देन क्लोरोप्लास्ट आउ जत रे प्रेजेंट्स इन फ्रूट्स फ्लावर्स किए प्रेजेंट थाए ना क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्टा कौन प्रेजेंट थाए ना फ्रूट्स एंड फ्लावर ये नोट कर लिख क्वेश्चन पढ़े टोमाटो लुक्स रेड टोमाटो लुक्स रेड टोमाटोर कलर रेड देखा जाए ड्यू टू प्रेजेन्स ऑफ लाइकोपिन कौन पिगमेंट प्रेजेंट था सेठी लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट सिमिति कैरोट लुक्स रेड और येलो ड्यू टू कैरोटीन पिगमेंट कौन पिगमेंट प्रेजेंट था कैरोटीन पिगमेंट सिमिति आमर बॉडी कलर ब्लैक एंड व्हाइट जो क्या हो ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट बुझे हो ना सिमिलरली ए दुटा क्वेश्चन आस तुम एग्जाम लिकोपिन लाइकोपिन टोमाटो रेड देखा जाए गाजर देखा जाए कैरोटीन ठीक से मिले येलो कलर बनाना येलो देखा जाए ड्यू टू जैंथोफिल पिगमेंट ठीक अच्छे ये सब क्वेश्चन आसे तो लिव्रे प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट फ्रूट्स एंड फ्लावर था क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट कौन प्रेजेंट था रूट्स रे एटा कलरलेस पिगमेंट कलरलेस पिगमेंट तो ये कौन काम हुए केवल फूड स्टोरेज हुए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर्मेट ठीक अच्छे यहाँ थी तुम कौन ना ऑल अबाउट योर प्लास्टिड्स नेक्स्ट पढ़िया तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सर्ट्रे ईआर लिखा जाए ठीक अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स कौन एंडो मीन्स इनसाइड प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कह इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैविंग लार्ज नेटवर्क इन बिटवीन क्या क्या भितर लगी था यहाँ इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए कौन कह जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा हमर रहला कौन सेल एटा ला न्यूक्लियस तो आको भितरे ए वाला गोटे नेटवर्क लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट थाए कौन कह जाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करथिले के डिस्कवर्ड बाय गार्नियर आको डिस्कवर करथिले गार्नियर बट कॉइन करथिले के कॉइन्ड बाय के आर पॉटर किए करथिले के आर पॉटर बुझे ना बेले बेले एग्जाम गार्नियर न थाए डिस्कवर बाय पॉटर थाए ठीक अच्छे तुम्हें मार कौन पॉटर अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर टू टाइप्स रत प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनादर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर टू टाइप्स वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ गोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा कौन प्रेजेंट था नियर टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस सहित जो लगी थाए कौन नेटवर्कटा कौन कह जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ जोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित लगी थाए कौन कह जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा ये इंपोर्टेंस कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आम प्रोटीन प्रेजेंट थाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एबसेंट थाए माने ये राइबोसोम प्रेजेंट थाए ये राइबोसोम एबसेंट थाए राइबोसोम
प्रेजेंट एटी कौन है ना राइबोसोम एब्सेंट राइबोसोम एब्सेंट राइबोसोम रो काम होला प्रोटीन सिंथेसिस तेणु एटी प्रोटीन प्रेजेंट थाए सेठी प्रोटीन एब्सेंट थाए कौन प्रेजेंट थाए लिपिड्स प्रेजेंट थाए एटी प्रेजेंट थाए लिपिड्स राइबोसोम रो एटी होला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे लिपिड सिंथेसिस करे मैंने ये भाया तार स्ट्रक्चरटा जोटे एमती प्रोटीन सब लगिक रही था राइबोसोम लगिक रही था क्या जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लगिक न रही था कौन कह जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोर स्टेबल ये स्टेबल कंडीशन था लिस्ट स्टेबल फॉर्म था बुझेगा ना यहाँ हूँ कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबे पढ़ा गोल्गी बॉडी गोल्गी बॉडी तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करते किए डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्गी तो ना अनुसार आपको ना देते कौन गोल्गी बॉडी कैमेलियो गोल्गी ए जो गोल्गी बॉडीटा किमी देखा को इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज नेटवर्क इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एटा किमी देखा को गोटे मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज नेटवर्क लाइक ट्यूब्स इन प्लांट इन एनिमल सेल इट इज कॉल्ड लिपोकोंड्रिया कौन कहते आपको लिपोकोंड्रिया मैंने यहाँ किमी देखा को तार स्ट्रक्चर इट इज ए लार्ज नेटवर्क लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर ठीक अच्छे ये ट्यूब भाया देखा थाए कौन कह जाए एनिमल सेल लिपोकोंड्रिया कह जाए प्लांट सेल एम स्कैटरिंग फॉर्म था बुझे ना ताको कौन कह जाए डिक्टियोजम्स कौन कह जाए डिक्टियोजम्स नेक्स्ट पॉइंट देख इन प्लांट सेल इट इज इन स्कैटरिंग फॉर्म कौन फॉर्म था स्कैटरिंग फॉर्म सो इट इज कॉल्ड डिक्टियोजम्स ताको कौन कह जाए डिक्टियोजम्स कह जाए बुझेगा ना क्वेश्चन पढ़े तुम्हार लिपोकोंड्रिया डिक्टियोजम्स गोल्गी बॉडी को एनिमल सेल कह जाए लिपोकोंड्रिया सिमिलरली प्लांट सेल गोल्गी बॉडी कौन कह जाए डिक्टियोजम्स अच्छा मेन फंक्शन कौन गोल्गी बॉडी रो फंक्शन कौन ना आर मेन फंक्शन है कौन ना पैकेजिंग प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स कौन करे ना जमी गोटे कोरियर बॉय रो काम ठीक सिमिलरली आर काम कौन पैकेजिंग प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन मेन फंक्शन है कौन पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डिफरेंट सेल हेंस इट इज कॉल्ड कोरियर बॉय ऑफ द सेल कॉल्ड कोरियर बॉय ऑफ द सेल सी जेलो क्वेश्चन आसला कोरियर बॉय ऑफ द सेल का कह जाए ना गोल्गी बॉडी कह जाए आउ कौन कह जाए आपको इट ऑल्सो नोन एज ट्राफिक पुलिस ऑफ द सेल आपको कौन कह जाए इट ऑल्सो नोन एज ट्राफिक पुलिस ऑफ द सेल बुझे ना बुझे कहीं कह जाए ट्राफिक पुलिस ऑफ द सेल ना ये कौन करे टीआरएनए को पाथ प्रोवाइड करे कौन पाथ रे जीवो टीआरएनए मेसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए राइबोज आरएनए चारटा तीनटा मोर आरएनए अच्छी से जो ट्रांसपोर्ट आरएनए रो ये पाथ प्रोवाइड करे बिकॉज इट प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ टीआरएनए बुझेगा ना ना टीआरएनए रो पाथ प्रोवाइड करे किए गोल्गी बॉडी ठीक अच्छे नेक्स्ट हेडिंग करो लाइसोसोम
लाइसोजोंटा देखा कमिटिका इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये क्या को लेकिन तैयारी लिपोप्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन को लेकिन तैयारी किए लाइसोजोम्स। ये लाइसोजोम को कहा जाए कौन ना सुइसाइडल बैग बा स्कैवेंजर ऑफ द सेल। कहीं कहा जाए ना लाइसोजोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये कौन एंजाइम प्रेजेंट था लाइसोजोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन करे ना जो पाथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर दिए से कहा जाए स्कैवेंजर ऑफ द सेल बा सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बा एटम बम ऑफ द सेल कहा जाए। ठीक अच्छे हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेंस इट इज कॉल्ड सेतिपाई ताको कौन कहा जाए सुइसाइडल बैग बा कौन कहा जाए स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल आ कौन कहा जाए एटम बम ऑफ द सेल। सीजीओटी रो क्वेश्चन आसला एटम बम ऑफ द सेल कहा को कहा जाए। आ ये कौन करे ना फॉरेन सेल को मध्य डेड कर दे एंड ऑफ इट आल्सो नोन एज, इट आल्सो नोन एज एंड ऑफ फॉरेन सेल, एंड ऑफ फॉरेन सेल। एटा मैक्सिमम लाइसोजोम आमर एनिमल सेल रो प्रेजेंट थांती, प्लांट सेल रो कम लाइसोजोम प्रेजेंट है। एटा एनिमल सेल को जगह प्रेजेंट थांती ना स्प्लीन किडनी ए सब पार्ट रे बेसी परिमाण रे प्रेजेंट थांती। तो मोस्ट फाउंड इन किडनी एंड स्प्लीन। ठीक अच्छे आपको के डिस्कवर करते डिस्कवर्ड बाय डी डोब, किए करते डी डोब 1955 रे। ठीक अच्छे डी डोब आर मेन फंक्शन कौन इट हेल्प्स इंटरसेलुलर डाइजेशन, इट हेल्प्स इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो ये इंटरसेलुलर डाइजेशन रे हेल्प करती। नेक्स्ट पॉइंट लिखो राइबोसोम। राइबोसोम हो सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, लार्जेस्ट कौन कहली प्लांट सेल प्लास्टिड, सिमिलरली स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स किए राइबोसोम, राइबोसोम। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा आर फंक्शन कौन राइबोसोम रो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करिया, प्रोटीन फैक्ट्री मध्य से कहा जाए। फंक्शन है कौन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस रे किए हेल्प करे राइबोसोम, से दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या कहा जाए ना आम राइबोसोम कहा जाए। ठीक अच्छे राइबोसोम बहुत प्रोकैरियोटिव रे प्रेजेंट थाए यूकैरियोटिक रे प्रेजेंट थाए, राइबोसोम बहुत प्रोकैरियोटिक आउ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक रे भी प्रेजेंट थाए। प्रोकैरियोटिक रे केते प्रेजेंट थाए ना 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक रे 80S राइबोसोम। ये सब सॉफ्टवेयर के यूनिट बा सब यूनिट बा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये जो 70S रे किछि थाए प्रोटीन किछि थाए आरएनए, आरएनए थाए 60% थाए सॉरी 50% थाए आरएनए, 50% आरएनए आ 30% थाए प्रोटीन कौनते ना 70S ए भाया फॉर्म रे से माने प्रेजेंट थाए। एटा थाए 50%
এটা তো 30%, এটা হচ্ছে আরএনএ, এটা হচ্ছে প্রোটিন। সিমিলারলি এইটিএসরে 60% থাকে আমার আরএনএ, আর 40% থাকে আমার কোন না প্রোটিন, বুঝে হচ্ছে তো রাইবোজোম র ইম্পর্টেন্স হল কোন না প্রোটিন সিনথেসিস, সেটিমা তাকু কোন কয়া যায় প্রোটিন ফ্যাক্টরি অফ দা সেল। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হল আকু কে ডিসকভার করতিলে, রাইবোজোম ডিসকভার্ড বাই, রাইবোজোম ডিসকভার করতিলে জেই পালাডি, কে করতিলে জেই পালাডি, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট বহুত বার এক্সাম রে আসছে। নেক্সট লেখো ভেকিউলস, ভেকুলসর কাম কোণ না সেল এমটি স্পেস কু ফিল অপ করে, এমটি স্পেস কু ফিল অপ করে কি না ভেকুলস, প্লান্ট সেল সেটা বহুত বড় থাকে, এনিমাল সেল ছোট ভেকুলস প্রেজেন্ট থাকে। তো নেক্সট হল ভেকুলস, ইট কভার অর ফিল্ড দ্য এমটি স্পেস অফ দ্য সেল, সেল এমটি স্পেস কু ফিল অপ করে কি ভেকুলস, বা আমি এমিতি লিখিপার ভেকুলস কু কয়া যায় পকেট অফ দ্য সেল, কী পকেট অফ দ্য সেল কয়া যায়, ইট স্টোর দ্য রিজর্ভ ফুড অফ দ্য সেল, আমি যেমি গাড়ির তেল সরিগলে রিজর্ভ কিছু বাট যাইপারছু, ঠিক সিমিলারলি সেল রিজর্ভ ফুড কু স্টোরেজ করি রখে কি ভেকুলস, ইট স্টোর দ্য রিজর্ভ ফুড অফ দ্য সেল, রিজর্ভ ফুড অফ দ্য সেল, তো সেল রিজর্ভ ফুড কু স্টোর করি রখে কি ভেকুলস, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড পকেট অফ দ্য সেল, আকু কোন কয়া যায় পকেট অফ দ্য সেল কয়া যায়, বুঝি হচ্ছে না নাই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সামে কোশ্চেন আসে, আকু কে ডিসকভার করতে, ডিসকভার বাই স্কেলডিন, কে করতে স্কেলডিন, হ্যাঁ স্কেলডিন আকু কোন ডিসকভার করতে কমেন্ট বক্সরে লিখিও। নেক্সট পয়েন্ট হল কোন এই যে ভেকুলস কু গোটে মেমব্রেন কভর করি রখিথায়, এমনি গোটে মেমব্রেন কভর করি রখিথায় কাকু ভেকুলস, তাকু কোন কয়া যায়, আসিস্ট্যান্ট লোক পাইলটরে কোশ্চেন আসছিল, ভেকুলস কভর্ড বাই এ মেমব্রেন, কভর্ড বাই এ মেমব্রেন তাকু কোন কয়া যায় টোনোপ্লাস্ট, কোন কয়া যায় টোনোপ্লাস্ট, ভেকুলস কভর বাই এ মেমব্রেন তাকু কোন কয়া যায় টোনোপ্লাস্ট। নেক্সট লেখো নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস, আচ্ছা নিউক্লিয়াসর স্টডি কোন কইতিলি কার্ডিওলজি, কার্ডিওলজি আকু ডিসকভার করতিলে কি রবার্ট ব্রাউন, ঠিক আছে তুমি কইব ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নিউক্লিয়াস, সেই নিউক্লিয়াস কু কি ডিসকভার করতিলে তুমি কমেন্ট বক্সরে লিখিব, ঠিক আছে। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হলা এই যে নিউক্লিয়াস তার কাম কোন না, ইয়ে হি সেল সব প্রকার কাম করে, এইটা হচ্ছে সবুঠার লার্জেস্ট সেল অর্গানেলস অফ আওয়ার সেল, বা এনিমাল সেল লার্জেস্ট সেল অর্গানেলস কাকু আছে নিউক্লিয়াস, সবুঠার স্মলেস্ট কি কইলি রাইবোজোম, সেকেন্ড লার্জেস্ট কি মাইটোকন্ড্রিয়া, যদি প্লান্ট সেল পচারিব প্লাস্টিডস, বুঝি হচ্ছে না নাই, লার্জেস্ট সেল অর্গানেলস নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে নিউক্লিয়াস হচ্ছে লার্জেস্ট সেল অর্গানেলস। আচ্ছা নিউক্লিয়াসর কাম কোন, যেমিতি তোমার কম্পুটর মেন মেমোরি কা কয়া যায় সিপিউ, বা ব্রেন অফ দ্য কম্পুটর কা কয়া যায় সিপিউ, ঠিক সিমিলারলি নিউক্লিয়াস কয়া যায় ব্রেন অফ দ্য সেল, সেল ও ব্রেন কা কয়া যায় নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস ইজ কল্ড ব্রেন অফ সেল অর ম্যানেজার অফ সেল, এমনি কোশ্চেন আসে সিএচএসএল আসছিল ম্যানেজার অফ দ্য সেল কাহা কয়া যায়, কাহা কয়া যায় নিউক্লিয়াস কয়া যায়, কাহিঁ কয়া যায় এমনি না ইট কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটস অল আক্টিভিটি অফ দ্য সেল, সেল সবু প্রকার কাম কু কন্ট্রোল আর কোঅর্ডিনেশন করে কি নিউক্লিয়াস, বিকজ ইট কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটস অল আক্টিভিটি অফ দ্য সেল, অল আক্টিভিটি অফ দ্য সেল, তো সেল সবু আক্টিভিটি কু কন্ট্রোল করে কি নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস কোন প্রেজেন্ট থাকে না, নিউক্লিয়াস কনসিস্ট অফ ডিএনএ
आरएनए आउ प्रोटीन एथिरे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थाए डीएनए थाए आरएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड ठीक अछि। तो एबे हेडिंग कर एमन को डिफरेंस डीएनए आरएनए क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। डीएनए रो काम कोन ता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करे। सर तमे डिमांड करियो मु तो लता मंगेशकर पुओ के झील तो कौन कर तुम डीएनए टेस्ट कर किए तो जेनेटिक इनफर्मेसन को ट्रांसपोर्ट करप करे किए डीएनए। तो गोटे सैड लिख डीएनए गोटे सैड लिख आरएनए। तो डीएनए रेप केमिका ना इट इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आरएनए है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको किए दे हाँ एक्सप्लेन बाय डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए स्ट्रक्चर किए दे ना वाटसन एंड क्रिक वाटसन एंड क्रिक। सिमिलरली सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर किए दे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवेन बाय किए कर फेड्रिस मस्चर फेड्रिस मस्चर बुझ ना एग्जाम बहुत बार पड़े यटार एमतीका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आर स्ट्रक्चर केमिका ना ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ये टाटा नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट था कौन कौन ना ए टी सी जी ए टी भितर डबल बंड सी जी भितर ट्रिपल बंड ये हूँ नाइट्रोजेनियस वेस्ट गुड़ा ये कौन प्रेजेंट था ना ए यु सी जी ए यु भितर डबल बंड सी जी भितर ट्रिपल बंड ये सब हाइड्रोजन बंड फॉर्मेशन करे। ए मीन्स एडिनोसिन एडिनोसिन टी मीन्स थायमिन सी मीन्स साइटोसिन जी मीन्स गुआनाइन बुझे ना ये सेमती सेम यहाँ हूँ तुम यूरोसिन ठीक अच्छे। आरएनए काम कौन ना ये मेसेज को कैरी कर सिंथेसाइज कर ट्रांसपोर्ट कर मैंने प्रोटीन सिंथेसिस कर कौन सेल कौटी प्रोटीन दरकार ट्रांसपोर्ट कर। तो ये तीन प्रकार आरएनए थाए गोटे एम आरएनए गोटे आर आरएनए आ गए टी आरएनए। तो मेसेंजर आरएनए आपको कौन कह जाए मेसेंजर आरएनए इट कैरी इनफॉर्मेशन कैरी इनफॉर्मेशन ये इनफॉर्मेशन कैरी करे। आर आरएनए कौन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे कौन सेल प्रोटीन दरकार से अनुसार से सिंथेसाइज करे। ट्री आरएनए कौन करे ना ट्रांसपोर्ट करे ठीक अच्छे। आउ डीएनए रो काम कौन इट ट्रांसपोर्ट जेनेटिक इनफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट जेनेटिक इनफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर डीएनए भितर थाए सेल सेल थाए न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर थाए डीएनए डीएनए थाए क्रोमोसोम क्रोमोसोम ट्रांसपोर्ट करे जेनेटिक इनफॉर्मेशन। आमर गोटे टॉपिक अच्छे सेल डिविजन आम से रिलेटेड डिटेल्स फॉलो करिया। तो नेक्स्ट आउ तुम कौन अच्छे ना सेंट्रोजोम एटा हूँ तुम लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ले तुम सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो। आई होप तुम सब बुझीपारत जदि भल लगुच तो वीडियो को लाइक आउ सब्सक्राइब कर सांग मान सहित शेयर करो। तो नेक्स्ट लेख सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम को डिस्कवर करते किए बेंडेन किए डिस्कवर करते बेंडेन किंतु कॉइन करते किए बोभेरी किए करते बोभेरी डिस्कवर करते बेंडेन किंतु कॉइन करते किए बोभेरी। सेंट्रोजोम कौन ना इट मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स सेंट्रोजोम मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स ये सेंट्रियोल्स गुड़ा गोटे कार्टविल फॉर्म रे रही था दे आर परपेंडिकुलर विथ इच अदर एंड फॉर्म ए कार्टविल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इच सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर विथ इच अदर एंड एक्ट एज ए कार्टविल स्ट्रक्चर कार्टविल स्ट्रक्चर मैंने
ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏଭଳିଆ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇକି ରହିକି ସେମାନେ କାର୍ଟୱିଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ 9ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ସ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଇଲ୍ ଭଳିଆ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମର କାମ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ କେମିତି ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଠ ବିଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ କାଠ ବିଡ଼ା ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଲେଖ, ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍ସ ଇଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋସୋମ୍ ଫର୍ମସ୍ ଏ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଫାଇବର ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଓକେ, ତ ଏତିକି ହେଲା ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ଏ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଗୋଲଗି ବଡ଼ି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ତାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲା, ତା'ର ଅଦର୍ସ ନେମ୍। ଏଥିରୁ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।